हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे स्वराज के बारे में। स्वराज का मतलब क्या होता है, क्या है स्वराज का कंसेप्ट, ये हम पढ़ाने वाली हूँ। आप पढ़ने वाले हो, आप समझने वाले हो। शुरू करते हैं। अ कॉन्सेप्ट एनालॉग्स टू फ्रीडम इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज स्वराज। ये जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है ना, आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जुड़ा हुआ है, जिसको स्वराज का नाम दिया जाता है। ये जो टर्म है स्वराज, ये इनकॉर्पोरेट, ये बना हुआ है टू वर्ड, एक है राज, स्वय मीन्स सेल्फ और राज मीन रूल, यानी कि सेल्फ रूल। इट कैन बी अंडरस्टूड टू मीन बोथ द रूल ऑफ द सेल्फ एंड द रूल ओवर सेल्फ। इसका मतलब ये है, स्वराज का मतलब ये बना, अगर हम इसके वर्ड्स के वर्ड के मतलब के ऊपर जाएं, तो इसका मतलब ये बना कि जो रूल ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर रूल करना, अपना रूल होना और अपने ऊपर रूल करना। स्वराज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया रेफर टू द फ्रीडम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ पॉलिटिकल डिमांड एंड एज अ वैल्यू ऑफ द सोशो कलेक्टिव लेवल। तो भाई, आपको पता है हमारा देश कलोनी था ब्रिटिशर की। ब्रिटिशर क्या थे? वो ही हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे। और रूल एंड रेगुलेशन किन के लिए बनाते थे, किन के ऊपर लागू होते थे? इंडिया के ऊपर लागू होते थे। हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, वो अपनी मर्जी से सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे और हमें फॉलो करने पड़ते थे। मगर भाई, हमारे बहुत फ्रीडम फाइटर लड़े, आज़ादी के लिए लड़े, क्योंकि वो चाहते थे स्वराज। वो चाहते थे, हमें आपके बनाए हुए रूल नहीं पसंद भाई, हमें तो अपने रूल खुद बनाने हैं। तो भाई, ये देखो, जाने के सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, हम अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, आप नहीं करोगे, है ना। तो हम जैसा चाहें, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है ना, जो हमारे लिए सही है, क्योंकि हम खुद जानते हैं, इतने अवेयर हैं। तो ह्यूमन बींग वैसे है ना, तो भाई ब्रिटिशर अपने आप को वो थोड़ा सा ज़्यादा कल्चर्ड मानते हैं, वो इसीलिए वो इस तरीके से ही आए थे कि भाई हम इनको सिविलाइज्ड करने आएंगे। मगर नहीं, हमारे जो इंडियंस हैं, उन्होंने स्ट्रगल की, भाई नहीं, हमें तो अपने ऊपर खुद ही रूल करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिमांड थी कि हमें भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डिमांड थी, और वो सोशल कलेक्ट लेवल की बात कर रहे थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे। दैट्स वाई स्वराज वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग व क्राई इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो जो फ्रीडम मूवमेंट थी, आज़ादी का संघर्ष था, उसमें स्वराज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये इंस्पायरिंग तिलक फेमस स्टेटमेंट, जो तिलक की जो फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो बोलते हैं जो स्वराज है, यानी कि सेल्फ रूल, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, और मैं इसको लेकर रहूँगा। जाने के मैं अपने ऊपर खुद रूल करूँगा भाई, मैं अपना ऊपर खुद रूल करूँगा, मेरे ऊपर कोई और नहीं रूल करेगा। वो तो मेरी आज़ादी है, जन्म से ही मेरे को आज़ादी है। ओके, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्वराज एज अ रूल ओवर द सेल्फ दैट वॉज हाईलाइटेड बाई महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज। तो ये जो हिंद स्वराज को अपने वर्क महात्मा गांधी जी का वर्क है हिंद स्वराज, उसमें भी आप देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्वराज का मतलब रूल ओवर द सेल्फ ही है, इसमें भी इसका मतलब। वेयर ही स्टेट, वहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इट इज़ अ स्वराज वेन वी लर्न टू रूल आर्सल। ये स्वराज है, स्वराज क्या है, जहाँ पे हम अपने ऊपर खुद रूल करना सीख जाएंगे। स्वराज इज नॉट जस्ट फ्रीडम, स्वराज का मतलब फ्रीडम नहीं है, बट लिबरेशन इन अ रिडीमिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम अ इंस्टीट्यूशन ऑफ द डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन जो अमानवीय है, जो इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें, जब हम
रिडीम करेंगे, हम लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन यानी कि फ्री हो जाएंगे, हमें जान पाएंगे कि भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन की ये जो कैपेसिटी जब हमारे में आ जाएंगी और हम जान पाएंगे ये भाई डीह्यूमनाइजेशन ये इंस्टीट्यूशन से बाहर आ पाएंगे, तब ही स्वराज हो पाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रियल सेल्फ, अगर हमें रियल सेल्फ के बारे में समझना है एंड इट्स अ रिलेशन टू अ कम्युनिटी और इसका रिलेशन कम्युनिटी और सोसाइटी के साथ समझना है, इट क्रिटिकल टू प्रोजेक्ट ऑफ अटेनिंग स्वराज, तो स्वराज को अच्छे से समझना होगा, हमें प्रोजेक्ट करना होगा, अटेन करना होगा अपने आप के ऊपर, यानी कि क्या करना होगा, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा खुद के ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर रूल करेंगे। ठीक है, हम ये तभी हो पाएगा जब हमें रियलाइजेशन होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तभी आवाज़ उठाएंगे, जब आवाज़ उठाएंगे तभी हम रूल कर पाएंगे। गांधी जी बिलीव दैट द डेवलपमेंट दैट फॉलोज वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशलिटीज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये जो डेवलपमेंट है ये फॉलो करती है, लिबरेट वुड लिबरेट, जो ये डेवलपमेंट फॉलो करती है वुड लिबरेट बोथ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, एक इंडिविजुअल की भी फ्रीडम आ जाती है और कलेक्टिव फ्रीडम भी हम मान सकते हैं, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी गाइड करता है, यानी कि जस्टिस भी होती है इसमें। नीडलेस टू से सच एन अंडरस्टैंडिंग इज एन रेलिवेंट टू अ 21st century एज इट वॉज वैन गांधी जी टोड द हिंद स्वराज इन 1909 जी ने वर्क लिखा था हिंद स्वराज, तो ये जो है ये अब भी 21st century में भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट कैसे है, अगर हम भाई सेल्फ अपने आप के ऊपर रूल करना सीखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। फ्रीडम सेल्फ रियलाइजेशन करना है सबसे, सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना भी, हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें खुद रियलाइजेशन करना होगा तभी हम स्वराज कर पाएंगे, तभी हम फ्रीडम का आनंद ले पाएंगे। तो आई होप ये स्वराज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।